कांग्रेस गवर्नमेंट हमें हर हमेशा वोट तो लेती है लेकिन हमारे हक के बारे में कभी बात नहीं करती। सिद्धरामैया गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे उनके मैनिफेस्टो में था कि 2B रिजर्वेशन जो बीजेपी गवर्नमेंट वापस ली है उसको हम पहले कैबिनेट में बैठकर उसको वापस लाते मिलकर बोले थे। अब तक आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं 2B के बारे में, वापस लेने तो दूर की बात, उसके बारे में बात तक नहीं कर रहे। 2B रिजर्वेशन वापस लाना है और जो 4% रिजर्वेशन था मुस्लिम्स का उसको 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे कॉलेज गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई, एक्सपेक्टिंग 20+ free MBBS seats, NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details, contact Alshare Group of Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो हमारे स्टेट के अब्दुल रहीम पटेल साहब आपके सामने ब्रीफ बात करेंगे। Assalamualaikum. Good evening. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी रियासत भर में कांताराज कमीशन की जो रिपोर्ट है और माइनॉरिटीज़ का जो 2B रिजर्वेशन है वो सिलसिले को लेकर पूरे स्टेट भर में धरना, प्रोटेस्ट, कैंपेन लगातार करते आ रहे हैं। इसकी पहली कड़ी बेंगलोर शहर में फ्रीडम पार्क में 10 तारीख को हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर वहाँ से आगाज़ किया। फिर मुख्तलिफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में मेमोरेंडम के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को ये हम याद दिलाना चाहते हैं कि कांताराज कमीशन जिसे 2014 में जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने खुद एक कैश सेंसस को ऑर्गेनाइज़ करे थे। तकरीबन 1.3 करोड़ घरों को विजिट कर एक 1.5-2 महीने का एक प्रोसेस था जो कास्ट सेंसस के नाम पर रखा गया था, उसकी रिपोर्ट पेश की गई। अफसोस की बात यह है कि 10 साल होने को आए हैं वो जो रिपोर्ट है उसको ठंडे बक्से में रखा गया है। मकसद क्या था कांताराज कमीशन बिठाने का कि कास्ट सेंसस कराना है लोगों के, कर्नाटक के लोगों की एजुकेशन, इकोनॉमिक और यहाँ की जो सोशल जो इश्यूज़ हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सोशल स्टेटस है उसके बारे में एक डायग्नोस किया जाए, स्कैन करा जाए। उसके बाद जब एक डॉक्टर के पास एक स्कैन की रिपोर्ट, एक एक्सरे की रिपोर्ट आती है, उसके बाद डायग्नोस करने के बाद सही से इलाज कर सकता है एक डॉक्टर। तो उसी तरह से गवर्नमेंट कैश सेंसस रिपोर्ट करा कर अपने कर्नाटक में, अपने स्टेट में कौन कौन से कास्ट में है, कौन कितना पिछड़े हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड कितने हैं, जॉब्स कौन से कम्युनिटी के पास कम है, किसको इकोनॉमिकल पैकेज देने से कौन ऊपर आ सकते हैं, एक दवाई देने के लिए, एक उसको ठीक करने के लिए, सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक कैश सेंसस रिपोर्ट बनाया जाता है। 2014 में कैश सेंसस रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। उसी साल कांताराज साहब ने पूरा एक्सरसाइज कर उस टाइम के 190 करोड़ रुपीज़ खर्चा कर रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन उसको ठंडे बक्से में रखा गया। उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर कोएलिशन गवर्नमेंट आई, उसमें JDS और कांग्रेस का मैत्री सरकार आई, उस टाइम भी ये रिपोर्ट को कह रहा हूँ ठंडे बक्से में रखा गया। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये डिमांड है कि इमीडिएटली वो जो कांताराज कमीशन की जो कैश सेंसस रिपोर्ट है उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है और उसमें जो बताए गए जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाना है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि 2B रिजर्वेशन, जिसे सब आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जाते जाते 2B रिजर्वेशन को ख़त्म करके गई है। बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, खुद SDP हाईकोर्ट को जाकर उसको स्टे लाने में कामयाब रहे हम लोग, क्योंकि अब हाईकोर्ट की वजह से स्टे में है। लेकिन हम चाहते हैं कि इमीडिएटली ये कांग्रेस गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग से पास करे थे, बीजेपी गवर्नमेंट अबॉलिश करे थे। कांग्रेस जो गवर्नमेंट है जो बार बार कहती है कि हम माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए आए हैं, और ये फैक्ट भी है कि 85% माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को वोट किए हैं। अब तक 6-7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, एक कैबिनेट में भी 2B रिजर्वेशन को वापस लेने के बारे में डिस्कस नहीं हुआ।
माइनॉरिटीज, ओबीसीज, दलित, एससी एसटीज, ये सिर्फ खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस होंदे बीजेपी होंदे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि पहला कांताराज कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दूसरा जो 2B रिजर्वेशन जो बीजेपी गवर्नमेंट खारिज की थी उसको वापस लाना है, और सिर्फ वापस भी नहीं लाना है, जो 4% रिजर्वेशन था माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम्स का, उसको 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत मुख्तलिफ कैश सेंसस में हम देखे हैं कि मुस्लिम्स की, खासकर कर्नाटक में मुसलमानों की 80 लाख से ज़्यादा हमारी आबादी है, तो इसलिए 8% रिजर्वेशन बहुत ही सही परसेंटेज कोटा रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के एजुकेशन में, जॉब्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी मुहिम को लेकर गुलबर्गा में भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेमोरेंडम्स दे रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, और ये कैंपेन को हम हर घर को, हर जगह कैलम, ये पोस्टर कैंपेन के ज़रिए से, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से आवाम में बेदारी का एक मुहिम चालू करने वाले हैं। SDPI गुलबर्गा सभी गुलबर्गा के शहरियों से रिक्वेस्ट करती है, ख़ासकर उलमाए कराम और स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो चलाते हैं, और ज़िम्मेदार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, और आम आवाम को ये रिक्वेस्ट करती है कि 14 अक्टूबर को जो सिट इन धरना जो DC ऑफिस के सामने हम करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, सभी लोग इसमें आना है, एक मजबूत आवाज़ बनकर हमारा जो हक है उसको हक हासिल करने की कोशिश करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट हमें हर हमेशा वोट तो लेती है लेकिन हमारे हक के बारे में कभी बात नहीं करती है। सिद्धरामैया गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे उनके मैनिफेस्टो में था कि 2B रिजर्वेशन जो बीजेपी गवर्नमेंट वापस ली है उसको हम पहले कैबिनेट में बैठकर उसको सही करते मलके बोले थे, वापस लाते मलके बोले थे। अब तक आधे दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग्स में उसके 2B के बारे में वापस लेने तो दूर की बात, उसके बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, आपकी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स के ऊपर जब भी हुकूक की उसकी बात होती है आप उसको सामने रखना है, उसके हक के बारे में लड़ना है। खाली अपनी अपनी पार्टीज़ के पीछे, अपने अपने फॉलोअर्स के पीछे जाकर अपनी जो कम्युनिटी के जो लीडर बनने का जो आप आहें भरते हैं, दम भरते हैं, उसको आप प्रूव करना है और उसके हुकूक दिलाने के लिए काम करना है। सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी में या कुछ लीडर्स के पीछे नहीं जाना है, हक के लिए काम करना है। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हूँ कि 14 तारीख का जो हमारा सिटिंग धरना है उसको आकर कामयाब कीजिए। तो तमाम मीडिया के जिम्मेदारों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को इस कैंपेन में हमारा साथ दीजिए, यो क्योंकि कांताराज कमीशन रिपोर्ट और ये 2B रिजर्वेशन के ऊपर वक्त की ज़रूरत है, हमारे को उसके ऊपर काम करना है। शुक्रिया। SDPI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि जैसा कि SDPI ने पूरे कर्नाटक में एक मुहिम को स्टार्ट किया है कांताराज आयोग कमीशन प्लस 2B रिजर्वेशन के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम गुलबर्गा में कुछ प्लान करें हैं आने वाले टाइम के लिए। जैसा कि एक अवेयरनेस लोगों में आना है तो उसके क्या क्या हम डेवलपमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मालूम होना है, कैसे ये बात उन तक पहुंचना है, तो उसका प्लान हम लोग गुलबर्गा में एक तो पोस्टर वॉल पोस्टर के ज़रिए से ज़्यादा मैसेज देने का प्लान करें हैं, दूसरा है एक हैंडबिल्स के ज़रिए से ज़्यादा लोगों को अप्रोच होना, रिक्वेस्ट करना, इसकी रियलिटी बताना, लोगों में अवेयरनेस आना और ज़्यादा से ज़्यादा इसके मालूमात आवाम को होना, ये एक है। इसी के साथ साथ तहसील ऑफिस में, तालुका प्लेसेस में, एग्जांपल चीतापुर है, शाहबाद है, यड्रामी है, यहाँ पे तहसीलदार को जाकर एक मेमोरेंडम सबमिट करना तहसीलदार के थ्रू चीफ मिनिस्टर को, वो एक प्लान है। इसी के साथ साथ गुलबर्गा के अंदर DC ऑफिस के बाहर 14 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक DC ऑफिस के बाहर हमारा एक 4 घंटे का धरना है, वो धरना के अंदर
कंप्लीट गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट जानकार रखने वाले लोग, एक हर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करने वाले लोग, एक आवाम को उनका जस्टिस दिलाने के वास्ते जो काम करने वाले लोग, ऐसे जितने भी हैं इसमें उलमा है, साधु संत हैं जो हर एक रिलीजियस के लिए भी अपना अपना काम करते हैं, वो तमाम लोगों को उस प्रोग्राम में इन्वर्ट कर वो चार घंटे के प्रोग्राम को सक्सेस करने का एक हम लोग प्लान बनाए हैं। उसमें खासकर हमारी एक ज़्यादा कोशिश है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसके मालूम हो, आने के भी लिए अपील करना है, प्लस वहाँ पे उनको मालूम ज़्यादा हो क्योंकि रिजर्वेशन क्या होता है और कांतरा जायक की कमीशन की रिपोर्ट के अंदर क्या है बोलकर, ये सारे प्लान हम लोग करे हैं। तो मेरी एक उम्मीद है गुलबर्गा के सोशल मीडिया वालों से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूम हो और ये लोगों का नॉलेज बढ़े इसको लेकर, इसके ज़्यादा व्यूवर्स बढ़े और इसके मालूम ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो धरने में शामिल हो। तो इसको एक सक्सेस करने के वास्ते आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.